गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रियंशी जैन। टुडे अवर टॉपिक इज फ्लो साइटोमेट्री। आज का टॉपिक जो हमारा वो है फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री हम काफी बेसिक पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी जनरली जब पूछा जाता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है, थ्रू फ्लो साइटोमेट्री वी कैन मेजर द नंबर, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल्स इन अ गिवन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि फ्लो साइटोमेट्री किस चीज में यूज में आता है। फ्लो साइटोमेट्री की हेल्प से हम किसी भी सेल का नंबर, मतलब अपने पास कोई गिवन सॉल्यूशन है या फिर हमारे पास जो सैंपल आया है उस सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उसको हम मेजर या डिटेक्ट कर सकते हैं। सेल की साइज को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है काफी सेल्स क्या होते हैं, कुछ सेल्स कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ सेल्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है सेल के अंदर कितने सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से नंबर ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल को डिटेक्ट और मेजर कर सकते हैं। और इट इज अ सेलुलर टेक्निक, ये एक सेलुलर टेक्निक है क्योंकि ये सेल्स को डिटेक्ट कर रही है। सो हमने क्या समझा कि फ्लो साइटोमेट्री की हेल्प से हम लोग क्या देख सकते हैं, किसी भी सेल का नंबर कि कितने नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है। ठीक है, इस सेल का क्या साइज है और कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। ठीक है, तो फ्लो साइटोमेट्री के हेल्प से हम नंबर ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स को मेजर या फिर डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये है जैसे हमारे सैंपल को हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। ये है हमारा सैंपल, इस सैंपल के अंदर कुछ छोटे छोटे स्मॉल सेल्स भी प्रेजेंट है, कुछ लार्ज सेल्स भी प्रेजेंट है, बड़े सेल्स भी हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स सेल्स भी हैं जिनके अंदर काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मिक्सचर ऑफ सेल्स है। तो इस मिक्सचर ऑफ सेल में इतने सारे सेल्स हैं, कुछ तो कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ नॉन कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर कितने छोटे सेल हैं, कितने बड़े सेल हैं, कितने कॉम्प्लेक्स सेल हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल क्या है, वो सब हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं, फ्लो साइटोमेट्री की हेल्प से देख सकते हैं। जो हमारी मशीन होती है ना सेल काउंटर, उस पर किसका प्रिंसिपल वर्क करता है, इस फ्लो साइटोमेट्री का। अब देखिए हम कैसे देखेंगे, हम नंबर वाइज देखेंगे कि नंबर को कैसे डिटेक्ट करता है, फिर हम देखेंगे साइज को कैसे डिटेक्ट करता है, फिर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे डिटेक्ट करता है। तो देखिए इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा डायग्राम बनाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है फ्लो सेल। ठीक है, फ्लो सेल क्यों, क्योंकि इसके अंदर से जो सेल्स होते हैं ना फ्लो करके जाते हैं। तो ये यहाँ पे होता है एक फ्लो सेल, इसके अंदर हमें सैंपल को डाल देते हैं। ठीक है, ये सैंपल हमने यहाँ पे डाल दिया। इस फ्लो सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड, जिसे शीट फ्लूइड या फिर नॉर्मल सलाइन एक फ्लूइड होता है। इसका क्या काम होता है, जैसे हम यहाँ पे ये डालेंगे ना सॉल्यूशन सैंपल, जैसे हम डालेंगे तो ये जो फ्लूइड है वो इस सेल्स के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करता है, उस प्रेशर से यहां से आगे की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इस फ्लूइड का क्या काम हुआ, इस पे प्रेशर देना। जैसे हमने ये सैंपल डाला, यहाँ पे सेल्स आ गए, इन सेल्स पे ये प्रेशर देता है जिससे ये सेल्स नीचे जा सके। ठीक है, फिर क्या होगा, ये प्रेशर की वजह से ये नीचे आएंगे और यहाँ पे ये जो लास्ट की जिसकी ट्यूब बनी होती है ना, ये ट्यूब इतनी माइन्यूट होती है, इस तरीके से डिजाइन करी गई होती है कि यहाँ पर एक के सिर्फ एक की सेल यहाँ से निकल सके। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये प्रेशर जनरेट हुआ और यहाँ पे ट्यूब से एक एक करके सेल यहाँ से निकलता रहेगा। यहाँ पे क्या लगी है, ये लाइट सोर्स लगा है। लाइट सोर्स यहाँ से क्या देता है, बीम ऑफ लाइट देता है या फिर कहो लेजर लाइट देता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगी, जैसे यहाँ पे सेल आएगा यहाँ से एक लेजर लाइट निकलेगी उस सेल के पास जाएगी। ठीक है, सेल से टकराते ही लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, बिखर जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये कैसे काम कर रहा है, जैसे ये यहाँ पे इसकी ये लेजर लाइट है, जैसे यहाँ पे आया ये वन, ये काउंटिंग का काम करेगा सबसे पहले, जैसे ये वन, फिर दूसरा सेल आएगा टू, फिर तीसरा आएगा थ्री, फोर, फाइव, ऐसे करके क्या करेगा, ये नंबर ऑफ सेल्स को बताएगा, काउंट करेगी लेजर बीम। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई आएगा, यहाँ पे टकराव होगा ना, इससे स्कैटर होगा, तो जितनी बार यहाँ स्कैटरिंग होगी उतने क्या यहाँ पे नंबर ऑफ सेल है। तो ये समझ आया कि इसने नंबर ऑफ सेल कैसे डिटेक्ट किया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एक बार सॉरी, इसमें ना आप डायग्राम और समझ लीजिए, ये लाइट सोर्स है, यहाँ पे ये लेजर लाइट निकलती है, या साइड में होते हैं डिटेक्टर्स। ठीक है, दो टाइप के डिटेक्टर्स होते हैं, एक तो होते हैं फॉरवर्ड डिटेक्टर्स और दूसरे होते हैं साइड में जो साइड डिटेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इस फॉरवर्ड डिटेक्टर्स का क्या काम है, साइड डिटेक्टर्स का क्या काम है, वो हम अब देखेंगे।
और ये जो सारे डिटेक्टर्स और ये सारी चीजें जो है ना वो कंप्यूटर से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पे कितनी लाइट स्कैटर हो रही है, साइड में कितनी स्कैटर हो रही है, फॉरवर्ड में कितनी स्कैटर हो रही है, कितनी बार ये स्कैटरिंग हो रही है, तो ये सारा हमें कंप्यूटर डिटेक्ट करके बताता है। सो देखिए नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्लो साइटोमेट्री डिपेंड्स ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट बाय द सेल। जो प्रिंसिपल है फ्लो साइटोमेट्री का वो डिपेंड करता है कि कितनी लाइट को स्कैटर कर रहा है कोई सेल, वो कैसे कर रहा है वो आपको भी समझ आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका कॉम्पोनेंट्स है। कॉम्पोनेंट मतलब क्या क्या चीज में बेसिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बस मैंने वही यहाँ पे मेंशन करी है। जैसे फर्स्ट है फ्लो सेल। फ्लो सेल में क्या होता है, सैंपल इज पास थ्रू द फ्लो सेल, फ्लो सेल से पास होता है सैंपल। वो जो फ्लो सेल हमने पढ़ा था वही है ये। फ्लो सेल कंटेन शीट फ्लूड और नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। फ्लो सेल के अंदर क्या होता है, शीट फ्लूड होता है जो प्रेशर जनरेट करता है, यहाँ पे आप लिख लेना फॉर जनरेटिंग प्रेशर, और नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन मतलब शीट फ्लूड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एनएस सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। फिर होता है सेकंड हमारा लाइट सोर्स है, वो क्या करेगा, इट प्रोवाइड लेजर लाइट, वो लेजर लाइट को प्रोवाइड करेगा। फिर साइड में होते हैं डिटेक्टर्स जो मेजर करते हैं या डिटेक्ट करते हैं द स्कैटरिंग ऑफ लाइट की लाइट कितनी स्कैटर हो रही है। दो टाइप के स्कैटर्स डिटेक्टर्स होते हैं यहाँ पे, आप लिख लेना। पहले होते हैं फॉरवर्ड डिटेक्टर्स और साइड वाले, सेकंड होते हैं साइड वाले डिटेक्टर्स। अब एक बार मैकेनिज्म हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, सैंपल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ सेल्स, जो हम सबसे पहले हमने क्या लिया था, सैंपल लिया था, उसके अंदर बहुत सारे क्या थे, मिक्सचर ऑफ सेल्स, काफी सारे अलग अलग तरीके के सेल्स थे। दिस सैंपल इज पासेस थ्रू द फ्लो सेल, ये जो सैंपल है वो किससे पास होगा, उसके बाद फ्लो सेल से पास होगा। फिर द फ्लो सेल पासेस द सेल्स वन बाय वन, और जो फ्लो सेल है वो इस तरीके से डिजाइन करी जाती है कि उससे सेल एक के बाद एक पास हो, सिर्फ एक एक करके सेल पास हो, ठीक है। लाइट सोर्स प्रोवाइड लेजर लाइट, दिस लेजर लाइट फॉल्स ऑन द सेल एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल। फिर क्या होगा, लाइट सोर्स क्या करेगी, लेजर लाइट को प्रोवाइड करेगी, वो लेजर लाइट किस पे गिरेगी, सेल्स के ऊपर आके गिरेगी। यहां से आई थी ना लाइट, वो सेल्स के ऊपर आकर गिर रही थी, फॉल कर रही थी, और क्या काउंट कर रही थी, नंबर ऑफ सेल्स को एक के बाद एक, वो क्या कर रही थी, वन टू थ्री फोर करके क्या कर रही थी, काउंट कर रही थी नंबर ऑफ सेल्स को। द सेल विल स्कैटर द लाइट इन टू वे। अब जो सेल था वो दो तरीके से लाइट को स्कैटर करेगा, ठीक है। इस स्कैटरिंग के बेसिस पे हम बता पाएंगे कि कितना वो साइज लार्ज या स्मॉल है उसका, या फिर कितना कॉम्प्लेक्स है। तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग होती है, और दूसरी क्या होती है, साइड स्कैटरिंग होगी। हम डिटेल में हम इसको देखेंगे कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग क्या है और साइड स्कैटरिंग क्या है। सो नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड स्कैटरिंग क्या होती है। देखिए जो फॉरवर्ड स्कैटरिंग होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ सेल के। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी लाइट की, उतना ज्यादा साइज का क्या होगा, साइज होगा। वो कैसे, अब देखिए यहाँ पे ये फ्लो सेल था, यहाँ से ये सेल यहाँ पे आया, ये लाइट सोर्स है हमारा, लाइट सोर्स यहाँ से क्या दे रहा है, लेजर लाइट दे रहा है, ठीक है। इसने एक बीम ऑफ लाइट दी, यहाँ पे मैंने तीन डिफरेंट साइज के बनाई, सबसे स्मॉल है, इससे लार्ज है, सबसे ज्यादा लार्ज सेल है, ठीक है। यहाँ पे तीनों पे बीम ऑफ लाइट आई, ठीक है। अब आपको डायग्राम से ही समझ आ रहा होगा, जैसे बीम ऑफ लाइट आई, इसका साइज छोटा है तो इसने कम स्कैटर करा है। फॉरवर्ड वाला डिटेक्टर था यहाँ पे, फॉरवर्ड मतलब सामने की तरफ, इसने लाइट को कम स्कैटर कर पाए, कम इसको फैला पाए। स्कैटरिंग मतलब ये समझ लो लाइट को किस पावर तक हम फैला सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला सेल इसको कम फैला पाया, कम एरिया में फैलाया इसने, ठीक है। इसको आप देखोगे तो जैसे इससे टकराई, इसने ज्यादा इसको स्कैटर करा है। इसके कंपेयर इस बड़े वाले सेल को देखिए, जैसे यहाँ पे बीम ऑफ, तीनों में बीम ऑफ लाइट आ रही है, बट यहाँ पे जो फॉरवर्ड में स्कैटरिंग हो रही है, जो फैला रहा है इस लाइट को, इसमें सबसे ज्यादा एरिया में ये कवर कर रहा है। तो समझ आया कि जो फॉरवर्ड स्कैटरिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ सेल के। तो यहाँ पे ये सब डिटेक्टर्स किससे जुड़े हुए हैं, हमारे कंप्यूटर से जुड़े हैं, वो ये डिटेक्ट कर लेगा कि कितनी ज्यादा स्कैटरिंग हो रही, जितनी ज्यादा स्कैटरिंग हो रही होगी वो ये पता कर लेगा कि इतना बड़ा साइज है इस सेल का, ठीक है। तो अब समझ आया कि ये साइज ऑफ सेल भी कैसे पता कर लेता है। तो हमने नंबर ऑफ सेल देख लिया, साइज ऑफ सेल देख लिया, अब नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। अब देखिए क्या होता है कि ये लाइट सोर्स है, ये यहाँ पे फॉरवर्ड डिटेक्टर है, और यहाँ पे क्या होते हैं, साइड के डिटेक्टर्स भी होते हैं, चारों तरफ भी डिटेक्टर होता है, सामने फॉरवर्ड डिटेक्टर भी होता है। तो फॉरवर्ड डिटेक्टर तो क्या बता देगा कि क्या साइज है इसका। अब कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पता लगेगी, देखिए कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब मैंने क्या बताया था कि सेल कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब उसके अंदर जितने ज्यादा सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे ना, जितने ज्यादा ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनिज्म जो भी जितने सारे हैं, वो जितने ज्यादा इसमें प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर होगा, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है। तो जैसे यहाँ पे लेजर लाइट आएगी,
यहाँ पे क्या होगा, ये स्कैटर इन सेल ऑर्गेनेल से टकराएगी और क्या होगी, स्कैटर होगी। तो जितनी ज्यादा ये स्कैटर होगी, इसका मतलब उतना ज्यादा ये अंदर से कॉम्प्लेक्स है, साइड में जितना ज्यादा स्कैटरिंग होगा, जैसे इससे टकराया चला गया, यहाँ से टकराया फिर यहाँ गया, इधर गया उधर गया, ठीक है, यहाँ पे भी इधर उधर जाएगा ये, ठीक है। तो जितना ज्यादा साइड का स्कैटरिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये सेल कॉम्प्लेक्स होगा। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो साइड की स्कैटरिंग होती है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करिए, ये जो सेल है इसके पास सिर्फ दो ही सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ कि दो ही सेल ऑर्गेनेल इसके पास, ये कम कॉम्प्लेक्स है। तो यहां से जैसी लेजर लाइट आई, इसने स्कैटर करा साइड में, बट ये कम स्कैटर कर पाए क्योंकि इसके पास दो ही वो थे ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो जितनी ज्यादा कम स्कैटरिंग हो रही है साइड में, ठीक है, उतना ज्यादा जो सेल है वो कम कॉम्प्लेक्स है। ये जो हमारे वो होते हैं ना ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं, जिनके पास जितने ज्यादा ग्रेन्यूल्स होते हैं उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, उतने ज्यादा साइड की स्कैटरिंग करेंगे, ठीक है। जिनके पास कम ग्रेन्यूल है या फिर ग्रेन्यूल है ही नहीं, ठीक है, नॉन ग्रेन्यूलोसाइट्स भी होते हैं, तो वो क्या करेंगे, साइड में स्कैटरिंग बहुत कम करेंगे, तो वो क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स है। तो अब हमें ये दो पॉइंट भी समझ आ गए हैं कि जो फॉरवर्ड स्कैटरिंग होती है वो, और या फिर अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड स्कैटरिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द साइज ऑफ द सेल। अमाउंट ऑफ साइड स्कैटरिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। जितना ज्यादा सेल का साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी जो हमारा कंप्यूटर डिटेक्ट या मेजर कर लेगा। जितना सेल कॉम्प्लेक्स होगा उतनी साइड स्कैटरिंग ज्यादा होगी जिस हमारा कंप्यूटर मेजर कर लेगा। तो अब हम ये देख चुके हैं कि नंबर ऑफ सेल कैसे काउंट करता है, ये साइज ऑफ सेल को कैसे डिटेक्ट करता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल को कैसे डिटेक्ट करता है। फ्लो साइटोमेट्री के हेल्प से कंप्यूटर जो होता है ना वो ग्राफ भी बनाता है, बट इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ बेसिक्स ऑफ फ्लो साइटोमेट्री देखना था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।